तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों ये वीडियो है नोकिया X6 को लेकर। हालांकि बहुत सी वीडियोस ऐसी बन गई हैं और बताया जा रहा है लॉन्चिंग डेट क्या होगी और एक्सपेक्टेड यहां पर प्राइस नोकिया X6 की इंडिया में क्या होने वाली है। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग के साथ अगर आप वेट कर रहे हो नोकिया X6 का तो आपके साथ हो सकता है धोखा और आपको भी यहाँ पर काफ़ी समय रुकने के बाद भी यहाँ पर आप नोकिया X6 को परचेज नहीं कर पाओगे, ऐसा आपके साथ हो सकता है और आपके साथ धोखा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जस्ट अपने ओपिनियन रखूँगा और बताऊँगा नोकिया X6 के इंडिया प्राइस जो कि एक्सपेक्टेड होने वाला है क्या होगा और कब तक ये लॉन्च होगा, इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं नोकिया X6 की तो मैं यहाँ पर पहले इसके स्पेक्स बता देता हूँ। हालांकि मैं बहुत से वीडियोस ऐसे बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने नोकिया X6 के स्पेक्स बताए हैं, लेकिन अगर कोई पहला बंदा ऐसा हो जो वीडियो देख रहा हो जिसको ना पता हो नोकिया X6 के बारे में, तो बता दूँ यहाँ पर आपको जो नोकिया X6 है उसमें आपको 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा बैक साइड में मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है, फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5.8 इंचेस की यहाँ पर फुल HD+ वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 3060mAh की बैटरी मिल जाती है, प्रोसेसर आपको न्यू लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है मतलब 636 जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करते हैं रैम वेरिएंट की तो 4GB रैम और 6GB रैम के साथ आता है, स्टोरेज वेरिएंट की तो 32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज के साथ इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो ये कुछ यहाँ पर नोकिया X6 का ओवरऑल स्पेक्स निकल के आते हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन आपके साथ हो सकता है धोखा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर नोकिया X6 आने वाला है बताया जा रहा है कि 13,000 रुपये का इंडिया में होगा या 14,000 का होगा या 15,000 का होगा, मतलब 13,000 से 15,000 के बीच में इसकी प्राइस बताई जा रही है नोकिया X6 की। लेकिन मैं यहाँ पर कंफर्म कह सकता हूँ कि इसकी प्राइस डेफिनेटली नोकिया यहाँ पर ज़्यादा रखने वाला है, क्योंकि नोकिया के पहले यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर इसी प्राइस रेंज में हैं, तो वो अपने ही यहाँ पर दूसरा फ़ोन ला के और अपने ही दूसरे फ़ोन की जो सेल है उसको गिराना नहीं चाहेगा। तो नोकिया जो भी X6 लेकर आएगा वो यहाँ पर आपका जो प्राइस होने वाला है वो यहाँ पर 19,000 या 20,000 या 22 या 23,000-25,000 तक भी यहाँ पर हो सकती है। मैं ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को क्यों ऐसा आप लोग कहोगे यार कि तू डरा रहा है कुछ भी बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो चाइनीज वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट मैंने देखी चाइना की, तो अगर आप इंडिया इंपोर्ट कराना चाहते हैं नोकिया X6 को तो वहाँ पर जो भी प्राइस शो हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 29,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ यहाँ पर नोकिया X6 की प्राइस शो हो रही है। तो यहाँ पर मैंने नोकिया X6 के बारे में देखा तो बताया जा रहा है 16,000 रुपये तक का इसका जो लॉन्चिंग होगी इंडिया में इतना प्राइस होगा एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, लेकिन बता दूं कि इसका प्राइस डेफिनेटली और स्मार्टफोन से थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि नोकिया है और नोकिया इतना सस्ता फ़ोन इतने बेहतरीन स्पेक्स के साथ में प्लस नॉच के साथ में नहीं लॉन्च करेगा। तो ये करीबन 20,000 रुपीज़ का मेरे यहाँ पर ओपिनियन है कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो एक्सपेक्टेड जो लॉन्च डेट बताई जा रही है वो है यहाँ पर जुलाई, बताया जा रहा है कि ये जुलाई में यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा, 2018 जुलाई में यहाँ पर रिलीज़ हो सकता है इंडिया में नोकिया का X6। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन इसके प्राइस को लेकर वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको प्राइस के बारे में बता दूं कि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप वेट कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि अगर आपका बजट टाइट है 13,000 रुपये ही आपके पास या 15,000 रुपये ही और आप वेट कर रहे हो नोकिया X6 का, तो वहाँ पर आपका दिल टूट सकता है और आपको साथ नोकिया धोखा भी कर सकता है अपने नोकिया X6 को लेकर इंडिया में लॉन्चिंग प्राइस को लेकर। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।